सो हेलो हाय गाइस, वेलकम टू एवरीवन इन दिस वीडियो। स्वागत है दोस्तों मेरी इस नई वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यदि आपने अपना रिजल्ट ओपन कर लिया है, देख लिया है, और यदि आपके रिजल्ट में किसी प्रकार की कोई कमी है, आपके प्रोफाइल्स में क्यूआर कोड नहीं दिख रहा है, आपके प्रोफाइल में मदर्स नेम गलत है, फादर्स नेम गलत है या आपका नेम गलत है, या आपके मार्क्स कम या ज़्यादा है, यानी आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, और यदि आप उसमें सही सुधार करवाना चाहते हैं यानी अपनी मार्कशीट में, तो आपको क्या करना, आपको ग्रीवेंस रे से ग्रीवेंस करना होगा। और यदि आपको पता नहीं है कैसे करते हैं रे से ग्रीवेंस, तो इसी वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ और स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि रे से ग्रीवेंस कैसे करते हैं। हाँ दोस्तों, तो सभी वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वरना आप फिर कमेंट करके ये बोलोगे कि हमें हमारा रे से ग्रीवेंस नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों हम आ चुके हैं एनसीवीटी एमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप नीचे स्क्रॉल करना है, न्यूज एंड अपडेट्स, इसमें दिखाया गया एक मैनुअल ट्रेनिंग से दिखाया गया है कि रे से ग्रीवेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, देन आपको दिखाते हैं क्या आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। मैं आपको बता देता हूँ, अब जैसे इसको नीचे स्क्रॉल करोगे, तो नीचे आएगा ग्रीवेंस यूजर। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा। पीडीएफ ओपन होने के बाद आपको दिखा जाएगा कि ग्रीवेंस यूजर मैनुअल फॉर ट्रेनिंग, फर्स्ट ऑप्शन आता है ओपन एनसीवीटी पब्लिक पोर्टल साइट यूजिंग द यूआरएल। अब एनसीवीटी एमआईएस का पोर्टल है जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको ओपन कर लेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, स्टेप वन ये हो गया। स्टेप टू है आपका ट्रेनी विल वेरीफाई इज मार्केट फ्रॉम मार्कशीट वेरीफिकेशन पेज। आपको ट्रेनी मार्कशीट वेरीफिकेशन ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इस पर जाना पड़ेगा, सेकंड नंबर सेकंड स्टेप पर ट्रेनी प्रोफाइल में जाके सबसे नीचे आता है ट्रेनी मार्कशीट। देन इसके बाद आपको नीचे दिखाया गया है कि इसमें आप अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, यदि आपका सिस्टम एग्ज़ाम एनुअल है तो एनुअल, या सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर डालना है। देन इसके बाद क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने स्टेप थ्री आएगा। स्टेप थ्री में आप ये भर देना है, फिल कर देना है। स्टेप फोर में आपके आएगा आपकी प्रोफाइल से है जो मार्कशीट, वो ओपन हो जाएगी। आफ्टर फिलिंग द डिटेल क्लिक ऑन द सर्च बटन, योर मार्कशीट विल अपेयर एंड यू कैन इधर आइदर वेरीफाई योर मार्कशीट और यू कैन रेस ए ग्रीवेंस फ्रॉम द रेस ए ग्रीवेंस बटन। यदि आप इस मार्कशीट को दिखाई गई मार्कशीट में आप सेटिस्फाई है तो इसे एग्री करना है या एक्सेप्ट करना है। यदि आपके इस मार्कशीट में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है या एरर आपको लगता है कि इसमें एरर है, ये मार्क्स में या मेरी प्रोफाइल्स में, ट्रेनी नेम में, या मेरे मदर्स नेम, फादर्स नेम, एनी कुछ भी, तो आप क्या करना है, आपको रे से ग्रीवेंस करना है। जी हाँ दोस्तों, रे से ग्रीवेंस करना है। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप रे से ग्रीवेंस करते हैं तो आपके सामने एक नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। इफ ट्रेनी इज सेफ्टी विद हिज रिजल्ट,
ही विल एक्सेप्ट हिज रिजल्ट एंड क्लिक ऑन द एग्री। ये कह रहा है यदि आप एग्री है तो आपको एग्री करना है, और यदि नहीं है तो एरेस ए ग्रीवेंस। जैसे ही आप एरेस ए ग्रीवेंस करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, इसमें लिखा होगी आई एग्री देन कैश रेस ए ग्रीवेंस द रिजल्ट डिक्लेयर हेयर वाई एंड डाउनलोडिंग द मार्कशीट एन टी सी विल बी पुट ऑन होल्ड अप्रोक्स 30 या 45 डे टिल रेजोल्यूशन ऑफ ग्रीवेंस। यानी आप जो डायरेक्ट ग्रीवेंस कर रहे हैं आपकी प्रोफाइल में या मार्क्स में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, एरर है, तो 30 से 45 दिन का समय ज़रूर लगेगा। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं, वंस यू क्लिक ऑन ओके यू विल बी डायरेक्ट रिडायरेक्ट टू लॉग इन ग्रीवेंस पेज एंड वन कैन कंटिन्यू विद ब्लॉक प्रोसेस आल्सो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप ग्रीवेंस के लॉग इन पेज पर ओपन हो जाएंगे। आपको यह फिल करना है कि अपना नेम, देन इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपका ग्रीवेंस किस टाइप का है, प्रोफाइल से रिलेटेड है या एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, प्रोफाइल एंड एग्ज़ाम रिलेटेड। मैं अभी आपको प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस बता रहा हूँ। जैसे आप इसमें फिल कर लेते हैं, फिल करने के बाद आप इसमें अपना नेम भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है और ग्रीवेंस टाइप प्रोफाइल है, तो मैंने प्रोफाइल कर दिया है। अब इसके ऊपर नेक्स्ट करना होगा आपको। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो एक आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, उसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपका ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर्ड की हुई है एंड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इन दोनों में से किसी दोनों पर ओटीपी जाएगा, किसी एक का ओटीपी भरना होगा। यदि आपको इन ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को ये अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हैं। तो चलिए अपडेट का प्रोसेस आपको बताते हैं। आप नीचे जाएंगे, यदि आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं या खो गया हो आपका मोबाइल नंबर, तो आप इसे अपडेट करा सकते हैं। यू कैन रिसेंड द ओटीपी मैक्सिमम 3 times। आपके पास एक ओटीपी आएगा तो आपको ओटीपी डालना होगा, ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने कैश इंटरफेस आएगा। इफ ट्रेनिंग क्लिक ऑन द अपडेट ऑप्शन, जैसे आप अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपके अपडेट बटन पर क्लिक करना होगा तो अपडेट हो जाएगा। एंड ये मोबाइल नंबर अपडेट हो गया, चेंज ईमेल एंड मोबाइल ऑफ ट्रेनी, देन आपको यहाँ पर अपनी DOB सेलेक्ट करनी है। DOB सेलेक्ट करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नई ईमेल आईडी जो आपने अपडेट की है वो ओपन हो जाएगी और मोबाइल नंबर। नाउ क्लिक ऑन द अपडेट एंड ट्रेनी विल बी डायरेक्ट OTP पेज व्हेन ट्रेनी विल रिसीव ए न्यू OTP। एक न्यू OTP मांगेगा, यानी रेस ग्रीवेंस लॉग इन पेज पर जाने के लिए, उसी जो आपने नई ईमेल आईडी पर, जो आपने नया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज की है, अपडेट की है, उस पर एक नया OTP आएगा, देन आपको सबमिट करना होगा। OTP को सबमिट करने के बाद अब जैसे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा ग्रीवेंस, ये ऑटोमेटिक आपको लॉगिन पेज पर लेकर चला जाएगा। देन आपको क्या करना है, ट्रेनी नेम भरना है अपना एंड फिर दोबारा ग्रीवेंस टाइप कि आप कौन सा टाइप, प्रोफाइल रिलेटेड या एग्ज़ाम, आप जो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस बता रहा हूँ। देन आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा और उसके बाद आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट पर। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, आपके ट्रेनिंग प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आप ग्रीवेंस सब आता है, यहाँ 3 प्रकार के 3 मैक्सिमम 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB, ट्रेनी एंड नीचे एक और ऑप्शन है उसको करना होता है, QR कोड होता है वो। इनको सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने आगे मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से ग्रीवेंस टाइप सब टाइप। आपको 3 फादर्स नेम में से 3 सिलेक्ट करने होते हैं,
इनमें से आपको तीन सेलेक्ट करने होते हैं। इनमें से आप तीन सेलेक्ट के लिए टिक मार्क कर दीजिए और आपको अपनी DOB, यदि आपको DOB सेलेक्ट करानी है, अपनी DOB गलत है तो आप DOB इसमें डाल सकते हैं सही। और करेक्ट ट्रेनी नेम आप अपना सही नाम इसमें भर सकते हैं यदि आपको उसमें गलत है मार्कशीट में। अब लेटेस्ट आपका फ़ोटोग्राफ सही नहीं दिख रहा है तो आप लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ इसमें डाल सकते हैं JPG, बट याद रखिए आपका ये फ़ोटोग्राफ JPG में होना चाहिए। आप यदि आपका और यदि आप अपने DOB चेंज कराने तो DOB का एक प्रूफ देना पड़ेगा, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, क्योंकि 10वीं में हमारी DOB होती है, आपको उसे फिल करना होगा। और नीचे आया है कि एफिडेविट फॉर फोटोग्राफ चेंज, इसमें जो आपने एफिडेविट डालना होगा फोटोग्राफ के लिए, देन आपको इस पर आपको जैसे आप इसे चूज़ करके आपको सिलेक्ट कर देते हैं, इसे ये अपलोड हो जाएगा। एक यहाँ एफिडेविट बनवाना पड़ेगा आपको फ़ोटोग्राफ के लिए, ठीक है, उसको आप इसमें अपलोड कर देंगे। देन इसके बाद आपको सॉरी दोस्तों वो बाई मिस्टेक पीछे चला गया, तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ तक, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इस पर रेस एग्रीवेंस पर क्लिक करते हैं, देन आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर उसको सबमिट ग्रीवेंस करना है। ग्रीवेंस करने के बाद आपको एक ग्रीवेंस आईडी जनरेट कर दी जाएगी, रेस ग्रीवेंस आईडी है, इसको दोस्तों आप संभाल कर रखना है क्योंकि इसी से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। क्लिक हेयर, इस पर आप क्लिक करके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। और जाने दोस्तों आपको 30 से 40 दिन का वेट करना पड़ेगा, 30 से 45 दिन का। यदि आपको ये था आपका प्रोफाइल से रिलेटेड कैसे आप रेस ग्रीवेंस कर सकते हैं प्रोफाइल से रिलेटेड, सेकंड नंबर पे मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जामिनेशन से रिलेटेड रेस ग्रीवेंस। प्रोसेस सेम है, आपको बस सिर्फ वही करना है, तो इसमें कोई मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ मैं, इसलिए आपको सिर्फ आपको जहाँ पर प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस टाइप करना था वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन रिलेटेड करना है। देन इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस आएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यदि आपको चेंज करना चाहते हो सेम प्रोसेस है। OTP आएगा, OTP इसमें डाल देना है, ठीक है दोस्तों। तो नीचे चलते हैं, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें DOB फिल करने के बाद फिर एक और OTP आएगा। OTP आने के बाद आपके पास जो नया ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद फिर आपको लॉगिन पेज पे जाना पड़ेगा, रेस ग्रीवेंस ऑटोमेटिक चला जाएगा और आपको अपना नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और ग्रीवेंस टाइप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है एग्ज़ाम रिलेटेड। एग्ज़ाम रिलेटेड करना है यहाँ पर ग्रीवेंस टाइप। जैसे आप इसे ओपन कर सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपके प्रोफाइल्स और मार्कशीट ये सब दिखाई जाएगी। आप यदि इसमें आप किसी भी प्रकार का मार्क्स चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी मिस्टेक है, तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ओनली JPG एंड PNG। ग्रीवेंस टाइप आपको सेलेक्ट करना है, मेन सब्जेक्ट और थ्योरी, इनमें जो भी आपका कोई सभी एक सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना होगा। देन इसमें ट्रेड थ्योरी, इम्प्लॉयमेंट स्किल, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डालना है कि मतलब क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन देना है कि मेरी इसमें मार्कशीट है, मार्क्स में कितने मार्क्स कम हैं, तो वही इसमें आपको डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन में आपको भरने के बाद आपको सबमिट ग्रीवेंस पर करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा ये वाला, इस पर क्लिक करना होगा आपको। आई एग्री देन इन केस रेस ग्रीवेंस
द रिजल्ट डिग्र हेयर बाई एंड डाउनलोडिंग ऑफ द मार्कशीट एन टी सी सेल बी पुट ओन होल्ड द प्रोक्स 30 and 45 डेज रेजुलेशन फॉर द ग्रीवेंस 30 से 45 दिन के बीच में आपको ये अपडेट मिलेगा इसका। सबमिट ग्रीवेंस करने के बाद आपके सामना एक ऐसे इंटरफेस आएगा, ये आपकी मैंने पहले ही बता चुका हूँ एक ईमेल ग्रीवेंस आईडी आएगी, उसको संभाल कर रखना है, इसी से आप चेक कर सकते हैं आपका ग्रीवेंस स्टेटस। व्यू ग्रीवेंस स्टेटस आपको क्या करना है कि एनसीबीटी पब्लिक पोर्टल यूजिंग में जाना है कि एनसीबीटी एमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर, देन आपको वहाँ पर इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप यदि हम अपनी ग्रीवेंस डिटेल चेक करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, व्यू ग्रीवेंस डिटेल एंड ग्रीवेंस आईडी डालकर आप अपना ग्रीवेंस स्टेटस इन डिटेल चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको जो आपकी प्रॉब्लम्स है आपने किस से रिलेटेड ग्रीवेंस किया वो सब दिखाया जाएगा। आई होप दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस वीडियो पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब